बड़ा मलारा में चल रही 3 दिवसीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का समापन हो गया। कथा के समापन में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ा मलहरा में चल रही 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा के विराम दिवस पर लाखों लोगों का सैलाब कथा सुनने उमड़ पड़ा। लोगों की भावनाओं को समझते हुए कथा व्यास बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए कथा मंच में विलंब से पहुंचे। बागेश्वर महाराज ने कथा का प्रारंभ करते हुए कहा कि अभिमानी को कभी ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि स्वाभिमानी के हृदय में भगवान का निवास होता है। इसके बाद कथा के समापन में आरती की गई। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।